हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आई हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है वो बिहार की तरफ से आ रही है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है, अब शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगी दुकानें, 6 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। तो जिस तरीके से कोरोना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से अपने बिहार में ऐसा फैसला लिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कि अब शाम को 4 बजे तक सारे दुकान जो हैं वो बंद हो जाएंगे और दुकान सुबह 11 बजे तक खोले जाएंगे और शाम के 4 बजे तक बंद हो जाने चाहिए। मतलब जो दुकान है वो दोपहर में 11 बजे खुलेगा और शाम के 4 बजे तक बंद हो जाएगा। साथ ही साथ रात शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का रहेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू कब तक रहेगा। तो नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और 11 बजे से 4 बजे तक ही आप दुकान जा सकते हैं या दुकान खोल सकते हैं। इसके अलावा भी एक अपडेट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 29 अप्रैल से ये सब चीज़ लागू होने वाला है। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तमाम जितनी भी दुकानें हैं वो शाम के 4 बजे तक बंद हो जाना है और उसके बाद तमाम जितने भी दफ्तर हैं वो शाम के 4 बजे तक बंद हो जाना है। तो आप कितने भी बड़े से बड़े ऑफिस में काम करते हो, बड़े से बड़े स्कूल में काम करते हो, दुकान में काम करते हो, शाम को 4 बजे तक आपका स्कूल कॉलेज दुकान सब बंद हो जाना चाहिए। साथ ही साथ जो शादी समारोह है उसमें 50 लोग तक ही केवल जा सकते हैं। मतलब 25 दूल्हे के साइड से, 25 दुल्हन के साइड से, ये जैसे वो मैनेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा बस 50 लोग ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अब ये नहीं है कि दूल्हे के फ्रेंड को बुला लेते हैं, उसको बुलाते हैं, वैसा कुछ नहीं होना है। केवल 50 लोग को ही बुलाना है। इससे ज़्यादा अगर आदमी अगर आएगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन बिहार सरकार ले सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि अपने बिहार में दिन प्रतिदिन जो केसेस है कोरोना का वो बढ़ते ही जा रहा है। श्राद्ध में अधिकतम 25 लोग हो सकेंगे शामिल, यानी कि अगर किसी कारणवश डेथ हो जा रहा है तो बस 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते हैं। और डीजे पर रोक लगेगी। क्यों रोक लगेगी? क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना का केसेस बढ़ते जा रहा है और डीजे पे अगर एक दो आदमी डांस करते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, जिससे कि कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ जाता है। इसीलिए डीजे पे जो है वो रोक रहेगी और तमाम जितनी भी दुकानें हैं शाम को 4 बजे तक बंद हो जाना है। 11 बजे से 4 बजे तक आप दुकान खोल सकते हैं, 4 बजे दुकान बंद हो जाना है और शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दफ्तर भी शाम को 4 बजे तक बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अपडेट बिहार की तरफ से। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।